बंदित आसंता काली दीपावली एहा पूर्वरु आज रंगीन आलोकमाला झलसिला सारा देश अयोध्या पालन होउछि दीपोत्सव चलित बर्ष दीपावली में 17 लाख दीप जलाइबा को प्रस्तुति कर दीप आलुआ आलोकित हेब अयोध्यार 40 घाट यह कार्यक्रम में सामिल होती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेपटे आज धनतेरास दीपावली पूर्व दिन यह पालन कराए कहुए धनतेरास सुना कि रूपा किणिले घर को सुख समृद्धि आसी थाए एथिपई विभिन्न सुना दुकान में ग्राहकों भिड़ लगी आज प्राइम डिबेट दीपोत्सव आज धनतेरास दीपावली पूर्व दिन धनतेरास पड़ता है कहुए कि धनतेरास सुना कि रूपा किणिले घर को सुख समृद्धि आसी थाए आगर ओडिशा परंपर में अक्षय तृतीय सुना कि रूपा किणिले समृद्धि आसी थाए विश्वास अच्छी किंतु गत किछि वर्ष है धनतेरास को भी शुभ दिन बेचना कर लोके अधिक सुना किणवाक दिन में आग्रह प्रकाश करतेरास अक्षय तृतीय भली पूर्व लोकंर सुना रूपा किणवा प्रति आग्रह बढ़ुची एथिपाई सुना दोकानी पक्षर लोभनीय आकर्षणीय ऑफर विज्ञापन दि जाऊँगी किपर अधिक मात्रा रे लोक आकृष्ट हे से समय गढ़ा मजूरी पर छाड़ दि जाऊँगी जीपर अधिक मात्रा रे ग्राहक आसबे एवं सुना रूपा किणी घर को ने अलंकार किणवाक सुना दोकान में भिड़ देखा मिलूँ विभिन्न दोकानी पक्षर लोभनीय ऑफर रखा जो कथा पूर्वर प्रचलन अच्छी कि हिंदू परंपरा हिसाब रे अक्षय तृतीय रे जदि घर को सुना किंबा रूपा किणा जाए ताहेले घर सुख समृद्धि बढ़ी थाए किंतु वर्तमान ता सहित आउ गोटे संस्कृति मध्य जोड़ी हो गलानी आउ गोटे परंपरा संस्कृति हिसाब रे धनतेरास रे जदि आपण सुना गहना किणुछंती किंबा कोनोसी धातु जातीय द्रव्य किंबा वस्तु किणुछंती ताहेले घर को सुख समृद्धि आसुची एवं एई क्रम रे रूपा अपेक्षा सुनार बेसी चाहिदा रहुची धनतेरास रे अलंकार किणवाक सुना दुकान में बेसी भिड़ जमुची एवं ग्राहकों चाहिदा को नजर रखी ग्राहकों इच्छा को नजर रखी आशा को नजर रखी विभिन्न ज्वेलरी शोरूम मानक आकर्षण और लोभनीय ऑफर से रखा जामती अधिक आकृष्ट हे से ही हिसाब से चाहिदा बढ़ बजार अधिक बिक्री हो पार धनतेरास जहाँकि दीपावली पूर्व दिन पड़ता है धनतेरास जो परंपरा अच्छी कि निजपाई किसी धातु जातीय जिनस घर को आणले घर सुख समृद्धि बढ़ी थाए एवं माँ लक्ष्मी घर को आसी था दीपावली में माँ लक्ष्मी को पूजा करिवार परंपरा भी अच्छी ता पूर्वर धनतेरास विभिन्न सुना एवं रूपा दुकान में ग्राहकों गहली देखा मिली थाए नजर रखी ग्राहकों भिड़ को नजर रखी ग्राहकों चाहिदा को नजर रखी विभिन्न शोरूम मानक सुना दोकान मानक रूपा दोकान मानक आकर्षणीय एवं लोभनीय ऑफर रखा जाए था जहाँ को देखी आकृष्ट हो ग्राहकों गहली सेठे जमी थाए आसंता काली पवित्र दीपावली एवं ताकु नजर रखी आज धनतेरास विभिन्न स्थान में पालन करदी कह दीपावली कथा दीपावली पूर्वर ही रंगीन आलोकमाला सारा देश झलसिला सहित चलित दीपावली को आहुरी वर्णाढ्य करने विशेष भाव व्यवस्था मध्य करा जाई छे अयोध्या रे पर्व पर कल के दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता साथियों इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी भगवान राम ने अपने वचन में अपने विचारों में अपने शासन में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार भी है
अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म है, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं, वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते, इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। साथियों, आजादी के अमृतकाल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आवाहन किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है।
उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमय लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई, यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए भाई और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंग हाली वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास के एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक गणगौर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। आज धनतेरास एवं दीपावली पूर्व दिन पड़ता है धनतेरास एवं यही दिन जहां विश्वास अच्छी एवं जो मान्यता अच्छी कि जदि घर को कौन धातुजात द्रव्य किणा अणा जाए तो घर सुख समृद्धि बढ़ी थाए, घर समस्त सदस्य भल क्रम सुना रूपा दोकान आज विशेष गहली देखा मिलूँ। विशेषकर सुना दोकान मानक बहु गहली एवं सुना दोकानी माने ज्वेलरी शोरूम मानक से माने आकर्षणीय ऑफर रखुचंती, लोभनीय ऑफर रखुचंती, जहाद्वारा अधिक मात्रा रे ग्राहक आकृष्ट हेबे एवं सेमानक पाखक आसिबे सेमानक ऑफर रो फायदा उठेबे। एवं आज जेहेतु धनतेरास अछि, गत किछि वर्ष हला धनतेरास को शुभ दिन बोली विवेचना करा जाउछि एवं लोके अधिक सुना किणिबा को आग्रह प्रकाश करुछंती। एथि पई सुना दोकानी के पक्षरु लोभनीय विज्ञापन एवं ऑफर दिया जाउछि, एने के अधिक टिका आलोचना करबा। जेहेतु विभिन्न स्थान रे वर्तमान आयोजन करा जाइछि, विभिन्न शोरूम गुड़िक तरफ आकर्षणीय ऑफर एवं लोभनीय ऑफर रखा जाइछि ग्राहकों पाई धनतेरास उपलक्षे, एने की अधिक आलोचना करबा। ब्रह्मपुर अछन्ति हम प्रतिनिधि कैलाश बेहरा एवं अन्य पक्ष अछन्ति भुवनेश्वर हम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। प्रथम कैलाश टी आपण आरंभ करवा, केमी आपड़ वर्तमान देखुंत ज्वेलरी शोरूम मानक भिड़ रही ग्राहक मानक कौन केमी आकर्षण ऑफर वर्तमान मिलूँ शोरूम गुड़िक तरफ। धनतेरस रही है
ठार आरंभ कर सुना व्यवसाय मध्य खुशी कारण दुई वर्ष धरी कोरोना कटकणा जो कौन प्रकार व्यवसाय हो नाला चलित बर्ष भल व्यवसाय हे बोली सुना व्यवसाय मैंने आशा रखी आम जहाँकि बड़ बजार सान बजार निकट अच्छा विभिन्न सुना जो दोकान मैंने से लोभनीय अफर रही है या सहित विभिन्न डिजाइन रो सुना रही से डिजाइन रुना रही लोक मैंने ग्राहक मैंने आस प्रकार सुना किणवा निम्ते जेहेतु धनतेरस दुई वर्ष धरी ठीक भाव पालन हो ना चलित बर्ष ठीक भाव से पालन हो कि अच्छा ग्राहक से सहित आलोचना करेंगे आज्ञा कौन कहे आज जेहेतु धनतेरस रोच आसना दुकान को फर्स्ट ऑफ ऑल धनतेरस शुभकामना दूची समस्त को मुझे आफ्टर टू इयर्स लॉकडाउन सरलापर यहाँ अपॉर्चुनिटी आसे वी कैन एनहांस माने लेडी रो ब्यूटी हूँ एनहांस कर गोल्ड सेटा आम माने आमर परंपरा रोचे अक्षय तृतीया एंड धनतेरस धनतेरस हूँ धनवंतरी बर्थडे सो से दिन आम गोल्ड ने प्रस्पेरीटी घर उन्नति हुए बोली आम परंपरा अच्छे से धनतेरस डिजाइन बढ़िया वैरायटी अच्छी आउ मेकिंग चार्ज पूरा फ्री अच्छे सो दैट अट्रैक्ट्स मी जो सुना व्यवसाय रही से सहित आलोचना करवा जेहतु आज्ञा कौन कहे दुई वर्ष होगा कोरोना कटकना जो व्यवसाय ना चलित बर्ष कमी व्यवसाय सर्वप्रथमें मु समस्त जनसाधारण को धनतेरस शुभकामना कहि मु आज दि वर्ष आज की दि वर्ष आमर कोविड कटकणा लगे बेपार पूरा मंदा होता ए बर्ष आशा करूँ बहुत किसी बेपार हम बोली किंतु चलो भल बेपार लोक भी गौरा गण किणापी टे आम एट्रैक्शन कर 4,350 देचु खाली मेकिंग चार्ज फ्री करचु रूपा उपर 50-60 रुपीस ग्राम दिहाँ मेकिंग चार्ज फ्री दिहाँ लोक आकर्षण करेपार टे चल आमर भी दि वर्ष है पछ हो बिजनेस रे एथर किसी बिजनेस हम बोली आशा कर चलित बर्ष ग्राहक मान आकृष्ट करने कि नुआ डिजाइन हो नुआ किसी आसिक हाँ सबकि नुआ रखाई जी आज्ञा बम्बे डिजाइन अच्छी कोयंबटूर डिजाइन अच्छी लोकल काम अच्छी सब प्रकार नुआ नुआ डिजाइन जहाँ वैरायटी से रखाई लोक घरा को देख निजर टेस्ट देखी प्रति कैलाश टी वर्तमान भुवनेश्वर जी प्रतिनिधि सुमंत सुमंत धनतेरस भिड़ वर्तमान ज्वेलरी शोरूम मानक केमती कौन बिक्री हो नैत भाव में कारण जो दिन पर नजर थाए समस्त जे गृह लक्ष्मी गोटे प्रवेश थाए प्रथम आप गोटे भिजुआल देखू जहाँ समस्त गोटे विमोहित कर बे आकर्षण अर्कक्षेत्र कोणार्क गोटे झलक रही कारण जो अरुंधति ज्वेलर्स को आम आसीचु जो अर्कक्षेत्र कोणार्क गोटे झलक रही सूर्य मंदिर ये जो तीनो नेकलेस रही तेणु ये गोटे बयान करुच्चे कि भाव में गोटे ओडार जो सांस्कृतिक झलक और जो भावगत झलक रही ओडार जो ऐतिह्य रही तेणु तार ये गोटे ज्वलत गोटे नकल देखा मिली तेणु जहाँ जी आसूसी सी ये किसी समय अटकी जा देखुचे कि भाव में ये सुंदर भाव में डिजाइनिंग कर 10,000 रु अधिक डिजाइन रही है थरक तेणु आम गोटे कपड़े गोटे भिजुआल आपको देखिए रखा बर्तमान पुणी थे जी दीपोत्सव सीधा प्रसारण आम आपको देखो अयोध्या जोठार कि विशेष भाव सुंदर भाव दीप दीप को सज्जित करा जो दृश्य वर्तमान देखुं दीपोत्सव सेठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान महाप्रभु श्री रामचंद्र एवं सीता मां ता सहित लक्ष्मण वर्तमान आरती करुछंती जो प्रतीकात्मक व्यवस्था करा जाइछि प्रभु मानव रूप को सुंदर भाव में सज्जित कर राज्याभिषेक कर जो परंपरा रही राज्याभिषेक वर्तमान करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उपस्थित अच्छा सरजू नदी कूल 40 टी घाट को सुंदर भाव दीपर सज्जित कर दीप उत्सव एथर अयोध्या पूरा झलमल हो उठी 17,00,000 दीप को प्रज्वलित कर विश्व रेकर्ड किपर सृष्टि हो पार विशेष भाव में फोकस कर पूर्व 32 टी घाट को सुंदर करथर 40 टी घाट सरजू नदी कूल 40 टी घाट को सुंदर भाव दीप भितरे वर्तमान सज्जित करा जाइछि दीप उत्सव पई सजै होइछि पूरा अयोध्या महाप्रभु श्री रामचंद्र जेतेबेले पत्नी सीता एवं लक्ष्मण सह बनवास फेरी छंती तांकु स्वागत करिबा पई विशेष आयोजन करा जाइथिला अयोध्या वासिंक तरफ रु एवं सेई दृश्य आपण माने देखुछंती जेतेबेले अयोध्या रे सेई पुराण वर्णित
परंपरा को सुंदर भाव वर्णना कर सुंदर भाव दर्शा जाइए जहाँ को दर्शन करने देखापी सोचक्षुर से अपूर्व रूप को हजार हजार भक्त समागम हो सरजू नदीकूल 17 लाख दीपर समागम अयोध्यार सीधा प्रसारण आपण मैं देखुं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित अच्छा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्याभिषेक करतीकात्मक राज्याभिषेक श्रीरामचंद्र दीपोत्सव शुभारंभ करती